तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर के सभी मुख्य समाचार। ताजा सीएम योगी द्वारा लिए गए सभी बड़े फैसलों को, उनके द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को, जो कि आज रात 12 बजे से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लग सकता है झटका, कल से महंगी हो जाएगी प्लाट और मकानों की रजिस्ट्री। जी हां, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको भी झटका लग सकता है, क्योंकि पहले से ज्यादा आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बता दें कि यूपी के रामपुर में कल से मकान, दुकान या फिर प्लॉट खरीदना और महंगा हो जाएगा। जी हाँ, सर्किल रेट में करीब 10-15% की वृद्धि किए जाने की जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं जो 21 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद ये नया नियम लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इंटर से ज्यादा पड़ी होंगी अमान्य। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। बता दें कि शासन भर्ती व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवक आवेदन नहीं कर सकेंगे, उच्च डिग्री धारक युवा इसके लिए अयोग्य होंगे। यही नहीं, एक जैसा काम करने वालों का पद, नाम, शैक्षिक योग्यता के साथ मानदेय भी तय किया जाएगा। दरअसल सरकारी विभागों और संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायत थी कि उनका शोषण किया जा रहा है। नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव में इसको मंजूरी दे दी। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में किडनी मरीजों के लिए खुलेंगी डायलिसिस यूनिट, डिप्टी सीएम के बड़े निर्देश जारी। जी हां, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रदेश के 11 अस्पतालों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि से लखनऊ, वाराणसी व गोरखपुर के अस्पतालों में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट खोली जा रही है। इन जिलों के 3 अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना भी होगी। उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से बेदखली को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, गरीब और निराश्रितों को मिलेगी राहत। जी हां, योगी सरकार ने गरीबों, वंचितों और SC/ST समेत पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पहले उनकी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने आज समस्त मंडलायुक्त, जिला अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एवं पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को इस संबंध में पत्र भेजकर निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में FSDA की टीम का छापा, आगरा के आंवलखेड़ा में चल रही थी अवैध फैक्ट्री, 1925 किलो मसाला जब्त। जी हां, आगरा में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने आंवलखेड़ा में मसाले की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। दरअसल सियाराम फूड इंडस्ट्रीज नामक इस फैक्ट्री पर छापा मार कर टीम ने 9.33 लाख रुपए से अधिक के बाबा ब्रांड की 1925 किलो मसाले जब्त की है। मिलावटी की आशंका पर गरम मसाला, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर के नमूने लेकर लैब भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टेट के 4,33,000 प्रमाण पत्र भी फंसे, HC के आदेश का इंतजार। जी हां, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UP TET 2021 प्राथमिक स्तर के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी कानूनी दांव पेश में फंसे हैं। इन सबके बीच बेरोजगार भी इतने हताश है कि टेट के प्रमाण पत्रों को लेकर न तो कोई हलचल दिख रही है और न ही अभ्यर्थियों में उत्साह है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में BED को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज कर दी थी। उत्तर प्रदेश के 60,500 स्कूलों में 3 नवंबर को होगा स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, गणित और हिंदी में पूछे जाएंगे प्रश्न। जी हां, प्रदेश के 60,500 प्राइमरी स्कूलों में 3 नवंबर को एक साथ कक्षा 3, कक्षा 6 एवं कक्षा 9 के विद्यार्थियों की उपलब्धियों के आकलन के लिए स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण जिले और ब्लॉक स्तर पर कराया जाएगा। इसके तहत कक्षा 3, 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित विषयों का आकलन किया जाना है। उत्तर प्रदेश में रामपुर जेल की बैरक नंबर 1 ऐसी गुजरी आजम की रात, कैदी नंबर 338 सपा नेता की नई पहचान। जी हां, सपा नेता आजम खान को जेल में कैदी नंबर 338 मिला है।
आजम खान रामपुर सीट से 10 बार विधायक, 1 बार सांसद और 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कैदी संख्या 339 और पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को कैदी संख्या 340 आवंटित किया गया है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान का सियासी सफर 40 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक नीरज बोरा की वेबसाइट पर हैकरों ने लगाया पाकिस्तान का झंडा, योगी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जी हां, लखनऊ में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की वेबसाइट हैक कर उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। हैकरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। वेबसाइट हैक होने की FIR विधायक ने सैरपुर कोतवाली में दर्ज कराई है। दरअसल उत्तरी विधायक नीरज बोरा ने संपर्क व कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, जिसे हैक कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेम विवाह की रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, लड़की के पिता चल बसे। जी हां, मुरादाबाद में प्रेम विवाह के बाद 5 माह से चली आ रही रंजिश में आज युवती और उसके प्रेमी के परिजन आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें युवती के पिता मौके पर ही चल बसे। बता दें कि मामले में बुजुर्ग के बेटे ने मारने का आरोप लगाया है। दो अलग अलग समुदाय का मामला होने से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस के साथ ही PSC के जवान भी तैनात हैं। बता दें आपको कि भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव अक्का भीकनपुर निवासी अरशद हुसैन 55 वर्षीय किसान थे। परिवार में पत्नी नसीम जहां, 6 बेटी और 3 बेटियां हैं। अरशद हुसैन की एक शादीशुदा बेटी आशियाना बीते 24 मई को गांव के ही वाल्मीकि समाज के युवक धर्मेंद्र उर्फ रचित के साथ भाग गई थी। उत्तर प्रदेश में 2024 भाजपा सत्ता में आई तो छीन जाएगा वोट देने का अधिकार, सरकार पर बरसी अखिलेश यादव। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छीन जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में लगेंगे बायोगैस व बायोडीजल के प्लांट, 550 करोड़ निवेश के 12 प्रस्ताव मंजूर। जी हां, यूपी नेडा की हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में आज कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए के 12 प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गई है। वहीं ऊर्जा व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई यूपी नेडा मुख्यालय में बैठक में भूमि बैंक लोन सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। वहीं यूपी नेडा द्वारा 20 निवेश प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में रिटायर IAS समेत 3-4 पर गिरफ्तारी की तलवार, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। दरअसल सेवानिवृत्त IAS और श्रीटान इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुरेश चंद्र गुप्ता समेत 4 तत्कालीन अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने खुली जांच के बाद इन चारों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बता दें आपको कि शासन की मंजूरी के बाद विजिलेंस ने अपने लखनऊ सेक्टर थाने में गत 17 अक्टूबर को ही श्रीटान इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं सेवानिवृत्त IAS सुरेश चंद्र गुप्ता के अलावा इनके समेत और 2 लोगों पर यह मुकदमा इंस्पेक्टर वीरेंद्र वर्मा ने दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले अभियान चलाएगी BJP, विश्वकर्मा समाज में पैर बढ़ाने को खास योजना शुरू। जी हां, विश्वकर्मा समाज के बीच पैर बढ़ाने को भाजपा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को हथियार बनाएगी। पार्टी प्रदेश भर में अभियान चलाकर पात्र लोगों को योजना से जोड़ने की मुहिम चलाएगी। इसके लिए आज पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हस्तशिल्पी कारीगर परिवारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना आशा की किरण बनकर आई है। उत्तर प्रदेश में आज से महंगा हो जाएगा लखनऊ का सफर, मैगलगंज में देना होगा टोल, जाने नए रेट। जी हां, बरेली लखनऊ का सफर आज रात से महंगा हो जाएगा। बता दें कि आज 8 बजे से मैगलगंज टोल शुरू कर देगा। हरियाणा की कंपनी स्काईलार्क को टोल प्लाजा के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी रोजाना 27.45 लाख का टोल वसूलेगी। बरेली से लखनऊ तक अब 4 जगह टोल देना होगा। उत्तर प्रदेश के थाने में दबंगई दिखाने वाले भाजपा विधायक के बेटे पर केस, वीडियो वायरल होने पर एक्शन, क्या होगा गिरफ्तार। दरअसल हट अवैध खनन कर रहा यह अंश उस वीडियो का है जिसे बाद में भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे राहुल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। भाजपा विधायक का बेटा किसी और को नहीं बल्कि SO को हड़का रहा था।
मामला झांसी के ककरबई थाने का है। वीडियो सामने नहीं आने तक मामला समझौते के नाम पर रफा दफा कर दिया गया था। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने भी माना कि मारपीट व हंगामे की सूचना पर पुलिस गई थी। पहले दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर राहुल राजपूत और उसके 5 साथियों पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब सवाल यह बना हुआ है कि क्या भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार होगा, वो तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। अब किससे 31 अक्टूबर तक त्योहारों की धूम, जाने कहां और कब रहेंगे बैंक बंद। जी हां, अक्टूबर के आखिरी 10 दिन त्योहारों से भरे पड़े हैं। दुर्गा पूजा को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद हैं। कई जगहों पर तो 27 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा है, ऐसे राज्यों में कहीं 25 तो कहीं 26 और 27 को बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह दशहरा पर भी कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के अवकाश कैलेंडर में 23 अक्टूबर को दशहरा का अवकाश है। इसी दिन अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं महीने के अंत में वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में बैंकों में अवकाश है। अगर आपको बैंक से संबंधित काम जिसमें ब्रांच विजिट जरूरी है तो इन तारीखों को जरूर नोट कर लें। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर।